नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। एक क्रिट याचिका दायर कर महामारी के पीड़ितों को मुआवजा देने की नीति की मांग की गई थी। अदालत ने पहले ही से ही नीति लागू होने का हवाला देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया है। कोविड 19 पर जान गंवाने वालों के लिए अनुग्रह मुआवजा 50,000 रुपए तय किया गया है। सेना के कमांडर ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले कुछ समय से किए गए फैसले एक मजबूत नेतृत्व को दर्शाते हैं। सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल J.S. नैन ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ सालों में लिए गए फैसले, जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जम्मू कश्मीर का परिसीमन और नियोजित राज्य का दर्जा शामिल है, ये एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व को दर्शाता है। जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहने को लेकर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर इस्तीफा देने का दबाव है। इस्तीफे को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ स्थानीय लोग भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे। भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश को लेकर अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण के चलते इस साल वेतन में औसतन 9% वृद्धि होने की संभावना है। माइकल पेज वेतन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सामान्य वेतन वृद्धि 9% रहने की संभावना है, जो महामारी से पिछले साल 2019 में 7% थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनिकॉर्न के साथ मिलकर स्टार्टअप और नए जमाने के संगठन वेतन वृद्धि की अगुवाई करेंगे और इनके द्वारा औसतन 12% वृद्धि किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों को केंद्र सरकार के विभागों में खाली पदों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाने का आदेश दिया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्रों को विनिर्माण और रोजगार सृजन के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने 2 अप्रैल को भी बैठक में निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार पर ध्यान देने को कहा। इंडियन रेलवेज के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब उन्हें भी 31% की जगह 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू हुई है। इससे पहले जुलाई 2021 से भी 3% महंगाई भत्ता बढ़ा था, उस समय ये बढ़कर 28% से 31% हो गया था। रूस की सेना ने उच्च क्षमता वाली सटीक मिसाइलों से हमले कर 4 यूक्रेनी ईंधन भंडारों को नष्ट कर दिया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इग्नोर कोनाशेनकोव ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उच्च क्षमता वाली सटीक मिसाइलों में क्रेमटेट्स, चकार्सी, जपोर्जिया और नोवो मोस्कोवस्क के क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों की आपूर्ति के लिए 4 ईंधन ठिकानों को नष्ट किया गया है। बीते कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों पर गुरुवार को ब्रेक लगा, लेकिन सीएनजी के दाम बढ़ने नहीं रुके। गुरुवार को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए का इजाफा किया है। आईजीएल ने दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 69.11 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी की कीमत 71.67 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। गुरुग्राम में कीमत 77.44 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल यानी सुरंग का काम कोलकाता में हुगली नदी के नीचे युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये मेट्रो हावड़ा और कोलकाता के बीच चलेगी। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार मेट्रो स्टेशन का निर्माण हुगली नदी के नीचे 33 मीटर अंदर किया जा रहा है, जिसका 80% काम पूरा हो गया है, जबकि 20% अभी पूरा होना बाकी है। भारतीय सेना में भर्ती की प्रक्रिया में बहुत जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी सरकार इसके लिए अग्निपथ प्रवेश योजना लाने वाली है। इस नए सिस्टम के तहत सेवा में आए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा और सैनिक मात्र 3 वर्ष में नौकरी के बाद सेना से हट जाएंगे और वो सिविल सेक्टर की नौकरियों में ट्राई कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि अब सरकार 3 वर्ष के लिए ही अग्निवीरों का चयन करेगी। इस दौरान उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की कठिन चुनौतियों से गुजरना होगा। फिनटेक कंपनी भारत पे के कोफाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे अश्विनी ग्रोवर ने कंपनी के बोर्ड के सदस्यों पर निशाना साधा है। अश्विनी ग्रोवर ने ट्वीट कर यह हमला बोला। उन्होंने भारत पे के खराब वित्तीय परफॉर्मेंस को लेकर कंपनी के बोर्ड सदस्यों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अश्विनी ग्रोवर ने ट्वीट कर बोर्ड के चेयरमैन रजनीश कुमार और सीईओ सुहेल समीर पर हमला बोला है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि तो मैंने अभी सुना कि भारत पे इंडिया रजनीश कुमार और सुहेल समीर के सक्षम नेतृत्व में अपनी पहली तिमाही के डीग्रोथ और मैक्सिमम कैश बर्न के साथ बंद किया गया है। सोमवार को उमा एक्सपोर्ट ने स्टॉक मार्केट में शानदार शुरुआत की है। कंपनी के शेयर लिस्टिंग के वक्त एनएसई में 76 रुपए पर ये ट्रेड रहे थे और यानी कि आईपीओ की तुलना में करीब 11% अधिक का उछाल देखा गया। वहीं बीएसई में आज सुबह कंपनी के एक शेयर की कीमत 80 रुपए थी, जो कि आईपीओ की तुलना में 17% अधिक है। उमा एक्सपोर्ट का आईपीओ 28 मार्च 2022 को सोमवार के दिन खुला था, जबकि ये 30 मार्च 2022 को बंद हुआ। कंपनी ने आईपीओ के लिए शेयर की कीमत 65 रुपए से 68 रुपए के बीच रखी थी।
महाराष्ट्र और मुंबई में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज को लेकर महाराष्ट्र विनिर्माण सेना जैसे दलों ने आपत्ति जताई है और इसे लेकर बहस तेज की है। इस बीच मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने अजान के लिए लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। हजारों सुरीले गीतों को आवाज दे चुकी है अनुराधा पौडवाल ने कहा है कि भारत में इस तरह से अजान दिए जाने की जरूरत नहीं है। जी न्यूज से बातचीत में अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मैं दुनिया में बहुत सी जगहों पर गई हूं लेकिन वहां पर ये चीजें प्रतिबंधित हैं। खुफिया फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर इंक ने प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा है कि संदिग्ध राज्य प्रायोजित चीनी हैकरों ने हाल ही में महीनों में एक स्पष्ट साइबर जासूसी अभियान के तहत भारत में बिजली क्षेत्र को निशाना बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हैकर्स ने उत्तर भारत में कम से कम 7 लोड डिस्पैच सेंटर को ध्यान केंद्रित किया है और जो लद्दाख में विवादित भारत चीन सीमा के पास स्थित क्षेत्रों में ग्रिड नियंत्रण और बिजली के फैलाव के लिए वास्तविक समय के संचालन के लिए जिम्मेवार है। श्रीलंका के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों में के दाम भी अब आसमान छू रहे हैं, वहीं लोग भी इसके विरोध में सड़कों पर आ गए हैं। इसी के मद्देनजर आज राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने बहुपक्षीय जुड़ाव और ऋण स्थिरता पर राष्ट्रपति सलाहकार समूह के सदस्यों के रूप में आर्थिक और वित्तीय विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है। भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों के 6 पाठ्यक्रमों को बुधवार को जारी विषय आधारित QS रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 100 पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज फॉर डेंटिस्ट्री है, जिसने 18वां रैंक हासिल किया है। धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यूनिवर्सिटी ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का रैंक हासिल किया। देश में पैन कार्ड और कई सरकारी योजनाओं को आधार से लिंक करने के बाद अब केंद्र सरकार ने जाति और आय प्रमाण पत्रों को भी आधार से जोड़ने की योजना बनाई है। इससे सरकार को एक ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन सिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक सरकार जाति और आय के प्रमाण पत्रों को आधार से लिंक करने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के 60 लाख लोगों को छात्रवृत्ति मिलना सुनिश्चित होगा। अमेरिका लगातार यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत पर दबाव बना रहा है। अब अमेरिका ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस के साथ गठबंधन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रायन डीज ने कहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां यूक्रेन में युद्ध को लेकर भारत और चीन के निर्णय से हमें निराशा हुई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वीरवार को ट्वीट में लिखा है कि भाजपा को भरोसा हो गया है कि कितनी भी महंगाई बढ़ जाए पर धार्मिक ध्रुवीकरण से चुनाव जीत लेंगे। गहलोत ने कहा है कि आप सब तैयारी कर ले 2023 में राजस्थान में और 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देकर राजस्थान से भाजपा का सूपड़ा साफ कर देना है। उनके मुताबिक कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व में विश्वास करती है। देश के ऑनलाइन हेल्थ सेवाओं के क्षेत्र में एक और नाम जुड़ गया है। वॉलमार्ट समूह की कंपनी फ्लिपकार्ट ने हेल्थ केयर क्षेत्र में कदम रख दिया है। कंपनी ने अपनी पहुंच का लाभ उठाने और देश भर में 20,000 से अधिक पिन कोड और सेवाएं पहुंचाने के लिए नया ऐप फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस पेश किया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने CHSL पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के जरिए 2187 पदों पर नियुक्ति होगी। ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। अगर आप योग्यता पूरी कर ले तो CGL पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। श्रीलंका में बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच भारत ने उसे पेट्रोल और डीजल की खेप उपलब्ध कराई है। श्रीलंका में भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी। उसने कहा है कि पिछले 24 घंटे में श्रीलंका को 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक एक खेप पहुंचाई गई। इसके साथ ही भारतीय सहायता के तहत विभिन्न प्रकार के ईंधन की कुल आपूर्ति अब तक 2,70,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गई है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन की बैठक में आमंत्रित किया है ताकि रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल संघर्ष विराम की दिशा में प्रगति पर चर्चा की जा सके। मैंने राष्ट्रपति पुतिन से आग्रह किया कि वो तत्काल संघर्ष विराम की घोषणा करें और बन्ने बुधवार को एक अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि 3 अप्रैल को देश के आम चुनाव में उनकी भारी जीत के बाद जिसने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4th कार्यकाल दिया। भारतीय सेना में भर्ती की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। सैनिकों की भर्ती के लिए जल्द ही नई प्रक्रिया अपनाई जानी है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया जाएगा। इसके तहत अधिक से अधिक युवाओं को सेना में भर्ती का मौका मिलेगा। आसान भाषा में कहें तो सरकार कम बजट में ये प्रक्रिया चालू कर रही है। ये नियुक्ति 2 से 3 साल के लिए हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से भी इस दौरान उन्होंने मुलाकात की। संसद का बजट सत्र समाप्त होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इन प्रमुख नेताओं से मुलाकात की।
यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद थे। भारत के पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता जैसे हालात है। श्रीलंका में आर्थिक संकट, मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन, म्यांमार में इमरजेंसी जैसे हालात, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, चीन बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के होने से भारत की सिरदर्दी बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स नेपाल के राजनीतिक हालात को भी बहुत स्थिर नहीं मान रहे हैं। इस मामले के साथ ही अब नई दिल्ली रूस यूक्रेन युद्ध से पहले से ही व्यस्त है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के पद के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने के संबंध में संक्षिप्त सूचना जारी कर दी है। अब उम्मीदवार असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर पद के लिए 18 अप्रैल 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। झारखंड राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 727 प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी। इसमें 701 नियमित और 26 बैकलॉग पद शामिल है। हेमंत सोरेन सरकार के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को नियमित एवं बैकलॉग पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी कर दिया। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से होगी। दोनों श्रेणी के पदों के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी। पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन इस वक्त इमरान खान सरकार को अपने हाथ में लेकर मुल्क में कई सारे अपने प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। चीन अंदर ही अंदर पाकिस्तान की राजनीति को अपने हाथों में ले रहा है। वहीं वजह है कि यहां पर राजनीति भूचाल के साथ ही आर्थिक भूचाल भी देखने को मिल रही है। चीन पाकिस्तान में अपने सीपीईसी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसको लेकर बड़ा बयान भी सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित एक नए वर्किंग पेपर के अनुसार भारत ने राज्य द्वारा प्रदत्त खाद्य वितरण के माध्यम से अत्यधिक गरीबी को लगभग समाप्त कर दिया और 40 वर्षों में उपभोग असमानता को अपने निम्नतम स्तर पर ले आया है। आईएमएफ वर्किंग पेपर ने कहा है कि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों का अनुपात 1% से कम है। महामारी के दौरान भी इन काइंडेड सब्सिडी विशेष रूप से खाद्य राशन के पीछे स्थिर रहा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राधा रानी, प्रीति, नुनु कुमार, सुमन कुमार, अमन सिंह, राकेश महतो, जितेंद्र ठाकुर, अजीत कुमार शर्मा, प्रिया यादव, कुश कुमार यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध बना लेने चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।